क्वेश्चन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एससीए फाइंड आउट करने के लिए है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को पूछा गया बोर्ड में, और तो कुछ स्टूडेंट बोर्ड में जब पूछा गया तो कुछ स्टूडेंट को डाउट था, और मैं एक होम ट्यूटर हूँ और कोचिंग पर इंस्ट्रक्टर हूँ, तो जब मैंने ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिया तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उन्होंने जो एससीएफ वगैरह फाइंड आउट करना सीखा है वो कुछ नंबर्स का फाइंड आउट करना, जैसे 24, 30, 52 कुछ इस टाइप के नंबर दे दीजिए तो वो उनका एससीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर गिवेन है वो इन टर्म्स ऑफ के है, यानी कि फर्स्ट नंबर के इटसेल्फ है, दूसरा 2k, तीसरा जो नंबर है, तीसरा जो नंबर था हमारा वो 3k, चौथा नंबर 4k, पांचवा 5k, तो ये इस टाइप से नंबर है। और यहाँ पर जो k है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब k कोई फिक्स नहीं है, कोई भी रेंडमली हो सकता है, जैसे k का वैल्यू अगर 5 दे दें तो फर्स्ट नंबर हमारा 5 हो जाएगा, 2k यानी कि 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यानी कि 3k, 4k मीन्स 20 हो जाएगा, 5k यानी कि 25। यानी कि जो k होगा बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यानी कि वो अप टू 5 टेबल तक चलेगा, यानी कि k का कोई वैल्यू जैसे 12 है तो 12 × 12, 12 × 24 अप टू 5 तक चलेगा। तो k का कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, लेकिन वो k है क्या, ये कोई रैंडम नंबर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका हमें ऐसे फाइंड आउट करना है जो ये हमें पांच नंबर गिवन है, k, 2k, 3k, 4k, 5k। अब YouTube पर या किसी भी चैनल पर इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो झट से इसको सॉल्व कर देते हैं और फाइनली आंसर बता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ही को पढ़ा रहे हैं या खुद ही कुछ सीख रहे हैं। मेरा जो मानना है कि अगर स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन को समझाना है तो हमें एक स्टूडेंट की तरह ही या उसके स्टैंडर्ड के तरह ही सोचना पड़ेगा। तो हम जो ऐसे फाइंड आउट करते हैं वो नंबर्स के फैक्टर से फाइंड आउट करते हैं, उसके फैक्टराइज कर लेते हैं, स्मॉलर प्राइम्स फैक्टर्स जो भी होते हैं, और उसको फिर उसके मल्टीपल्स करके लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ऊपर 24, 30, 52, अगर मुझे इनका एससीएफ फाइंड आउट करना है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इनके स्मॉलर इनको फैक्टराइज करना होगा, यानी कि 24 को फैक्टराइज करूंगा तो जैसे 2 × 3, 2 × 2, इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, और ऐसे ही 30 को भी करूंगा, ऐसे ही 52 को। तो इन जो ये हमारे जो नंबर्स हैं इनको भी हमें फैक्टराइज करना होगा। अब किसी भी नंबर के, ये एक रिमार्क समझ लीजिए या नोट पॉइंट समझ लीजिए, कि कोई भी नंबर हो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके कम से कम चार तो फैक्टर होते ही हैं। अगर मैं कोई नंबर सपोज करो 5 दे दूं तो इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके 4 फैक्टर तो पॉसिबल हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद इटसेल्फ, यानी कि 2 फैक्टर तो ये हो गए, और इन्हीं के निगेटिव भी इसके फैक्टर होंगे, यानी कि 1 है तो -1 भी इसका फैक्टर होगा, 5 है तो -5 भी इसका फैक्टर होगा। तो 2 जो हमारे पॉजिटिव फैक्टर होते हैं और 2 है हमारे निगेटिव फैक्टर होते हैं, ये कम से कम फैक्टर होते हैं। अगर मैं कोई 25 ले लूं सपोज करो या 12 ले लूं, तो इसके कम से कम 4 फैक्टर तो है ही, एक तो 1, -1, 12 और -12, लेकिन इसके और भी फैक्टर हैं, जैसे 3 और 4, 2, अब इन सब के निगेटिव यानी कि +−, +−, +−, और +−6, ये और भी फैक्टर हैं। यानी कि कोई सा भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है या इंटीजर है उसके कम से कम 4 फैक्टर तो होते ही हैं। तो यानी कि हमें इसको, ये जो हमारे नंबर्स गिवन थे k, 2k, 3k, 4k, 5k, जिसका हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, तो इनको हम इनके फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो k के क्या क्या फैक्टर होंगे,
1 इंटू के, जरूरी नहीं हम इसको 1 इंटू के की फॉर्म में ही लिखे, सिंपल के ही भी लिख सकते थे। फिर 2k, 2k के क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू के। 3k के क्या फैक्टर्स होंगे, 3 इंटू के। ऐसे ही 4k का क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 4 इंटू के। और 5k इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 5 इंटू के। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के कम से कम 4 फैक्टर तो होते ही हैं, तो हमने निगेटिव वाले क्यों नहीं लिए। उसका आंसर ये है कि जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो है जो मैंने लिखे वो सिर्फ पॉजिटिव वाले लिखे, निगेटिव वाले तो वैसे ही लेस हो जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें हाईएस्ट वाले फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट, तो निगेटिव वाले तो वैसे ही उससे लेस हो जाएंगे, तो इसलिए हमें निगेटिव की जरूरत नहीं पड़ी। तो इन सब में जो ये 4 नंबर थे, इन चारों में जो सबसे कॉमन नंबर है वो के है, और ये के जो है ये हाईएस्ट भी रहेगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो गया इन चारों का वो हो गया के। थैंक यू।